इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम फेसबुक पर किसी वजह से हमारा स्ट्राइक वगैरह आ जाती है, कम्युनिटी की वजह से हमारी पोस्ट हटा दी जाती है, तो उस पे हमें एक अपील नंबर मिलता है जिसका नाम होता है प्रेफरेंस आईडी। ठीक है, इसी तरीके से होता है, तो उसको कैसे आप फाइंड कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे कोने पर अपनी प्रोफाइल में जाना है और प्रोफाइल में चले जाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको तीन लाइनों पर जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी बहुत सारी सेटिंग्स, तो यहाँ पर अकाउंट वार्निंग आपको दिखाई दी जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी वार्निंग लगी हुई होगी या कुछ भी इशू आ रहा होगा वो यहाँ पर दिख जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि है। ठीक है, यहाँ पर तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है अपने सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद हेल्प एंड सपोर्ट पर आपको जाना है, और यहाँ पर सपोर्ट इनबॉक्स पर आपको जाना है। ठीक है, और सपोर्ट तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यू अपील द ओवरसाइट्स बोर्ड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और सबसे नीचे यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर आपका मिल जाएगा। तो प्रेफरेंस रेफरेंस नंबर यही रहता है जो भी कुछ रहता है, और केस नंबर भी यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है इसको फाइंड करने का। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।